हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान हुआ और वेलकम टू माय चैनल हिंदी लाइफ। आज से फिर इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, ऐप्स के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कल एक ऐप चेक किया, मुझे अच्छा लगा। ये थोड़ा अलग टाइप का ऐप है जिसमें आप कोई वीडियो लीजिए, अगर आपको उसमें कट करना है कट भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से फिल्टर कर सकते हैं, और भी तरीका है इसमें, मतलब कॉलेज टाइप का जो वीडियो है वो ही बना सकते हैं, और इसमें कलर जितना भी कलरफुल अगर डालना है तो कलरफुल वीडियो आप बना सकते हैं इस ऐप का यूज करके। तो इस ऐप का नाम है InShot ऐप। तो ये ऐप कुछ अलग है, इसलिए मैं सोचा कि आपको ही बता दें ताकि आप भी यूज कीजिए और अपने वीडियो को थोड़ा ऑसम बनाइए। तो चलिए, जो भी स्टेप्स है इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो ऐप है, मेरे मोबाइल ने पहले से इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे इसका नाम है InShot, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो यहाँ पे गूगल प्ले में आप लिखिए InShot। तो यहाँ पे लिखिए InShot, ये एडिटर चॉइस है। जब भी एडिटर चॉइस अगर लिखा जाता है किसी भी ऐप में और किसी भी ऐप का राइटिंग जैसे अच्छा होता है तो आप उसको यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे एडिटर चॉइस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफी InShot वीडियो एडिटर एंड फोटो एडिटर। तो यहाँ पे आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, फोटो भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे कैसे एडिट किया जाता है। तो यहाँ पे इस ऐप को क्लिक करते हैं InShot। तो सबसे पहले जो तीन चीजें यहाँ पे क्रिएट नहीं हो, तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, फोटो का ऑप्शन है, कॉलेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो का ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वीडियो पे क्लिक किए तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे चलिए कोई वीडियो का सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है। तो चलिए जल्दी जल्दी एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ट्रिम है, तो यहाँ से आप कहीं से भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर कट करना है तो यहाँ से आपको कट कर सकते हैं, जहां से ले जाना है वहां से ले जा सकते हैं। उसके बाद ये तो ट्रिम हो गया, उसके बाद यहाँ से आप स्लाइड कर, जहां से आपको चाहिए वहां से आप कट कर सकते हैं। स्प्लिट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे ट्रिम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे क्लिक किए टिक पे, तो ये ट्रिम हो गया। उसके बाद ये कैनवास है, तो यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिट पे सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ देखिए इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का है। उसके बाद यहाँ पे फुल डालना है तो फुल कर सकते हैं, नो फ्रेम डालना है तो नो यहाँ पे, उसके बाद टॉप में डालना है, बॉटम में डालना है, ये सारा ऑप्शन है। चलिए फिट पे क्लिक करते हैं और इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए रेशियो भी है, तो जो आपको रेशियो यहाँ पे आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलिए एरो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एरो, उसके बाद ये तो हो गया कैनवास के बारे में। अब यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर जो कलर आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा बैकग्राउंड का ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह का, जिस तरह का आपको फॉर्मेट में डालना है, ब्लर डालना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन था यहाँ पे, ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं टिक पे, तो ये बैकग्राउंड का था। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए कलर और ब्राइटनेस आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद फिर से फिल्टर पे चलते हैं, इफेक्ट में आप चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए किस तरह का इफेक्ट है, तो यहाँ प्ले करके देखते हैं थोड़ा सा। फिर इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग, उसके बाद यहाँ तो ये हो गया, उसके बाद इस तरह का इफेक्ट है के बारे में बताने चाह रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, ऐप के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिरर चाहिए तो मिरर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने कल एक ऐप चेक किया, मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा अलग टाइप का ऐप है जिसमें आप कोई वीडियो लीजिए, अगर आपको उसमें कट करना है कट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तो क्या मिरर के बारे में, और भी इतना सारा ऑप्शन है यहाँ पे, आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करना आप कर सकते हैं, यहाँ पे टिंट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे शैडो चाहिए, शैडो डाल सकते हैं, उसके बाद ह्यू है यहाँ पे, उसके बाद विग्निटी है, यहाँ पे ऐसा करके आप डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्रेन।
तो ये तो हो गया फिल्टर, फिल्टर के अंदर जो तीन पार्ट था उसके बाद एडजस्ट, यहाँ पे ये इफेक्ट है, यहाँ पे फिल्टर है। चलिए टिक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक, अगर यहाँ से आपको म्यूजिक चाहिए वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो म्यूजिक है वहां से भी आप डाल सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। यहाँ पे अब स्टिकर आपको डालना है, जैसे अगर आपको यहाँ पे शेयर का डालना है तो यहाँ पे आप शेयर लिख सकते हैं, यहाँ पे शेयर, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है साइज तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको शेयर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे इतना सारा है स्टिकर, तो स्टिकर के साथ यहाँ पे इमोजी भी मिल रहा है, इस तरह का पार्ट है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया स्टिकर के बारे में। अब यहाँ पे और टेक्स्ट अगर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब आ गया, तो यहाँ पे इस तरह का टेक्स्ट है यहाँ पे आ गया। अगर आपको आपको कोई भी कलर चेंज करना है यहाँ से तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा ऐप है यहाँ पे, ये इतना सारा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का जो भी स्टाइल है जो देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं एरो पे। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के बारे में, उसके बाद यहाँ पे स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्पीड के बाद यहाँ पे क्रॉप, तो जो अगर जगह अच्छा नहीं लगता है यहाँ से आप हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये काफी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे इतना ही चाहिए तो अगर आप इतना लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर रेसियो अगर फिट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉप के बारे में। रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लिप का है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कैसा एडिटिंग हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने चाह रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, ऐप के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कल एक ऐप चेक किया, मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा अलग टाइप। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप एडिट करना, अगर सेव करना तो यहाँ पे सेव कीजिए, यहाँ पे यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये डेमो इसलिए सेव नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे फोटो, तो यहाँ पे फोटो के लिए कोई भी एल्बम, चलिए यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट करते हैं ये वाला। उसके बाद यहाँ भी सेम ऑप्शन है जो वीडियो के अंदर ऑप्शन था, यहाँ पे आप एक एक करके बैकग्राउंड चेंज करना कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का पार्ट में ब्लर डालना डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, स्टिकर डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का फ्रेम डालना, फ्रेम यहाँ पे मिल रहा है आपको, जैसा फ्रेम डालना इस तरह का डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना ऑप्शन आप चेक कीजिए फोटो के लिए, अगर सेव करना तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। चलिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर यहाँ पे आपको गैलरी के अंदर जो भी है फोटो आप लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे चार पांच फोटो जितना है आप ले सकते हैं, 10-15। तो ये देखिए ये एक और सेलेक्ट हो गया। और भी फोटो अगर चाहिए तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे इमेज पे सर्च के एक और फोटो डाल सकते हैं। उसके बाद ये हो गया इस तरह का। यहाँ पे कोई फोटो को बढ़ाना है घटाना है साइज आप बढ़ा सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और लेआउट, जैसा आपको लेआउट चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम जैसा आपको चाहिए यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर अगर चाहिए जिस तरह का यहाँ पे देखिए इसको बढ़ा सकते हैं इतना लेआउट। यहाँ पे आप किसी को बुक करा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से आप कॉलेज टाइप का पिक्चर यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऑप्शन पे। तो काफी अच्छा ऐप है, आप यूज कीजिए अच्छा लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एड उड आता है लेकिन ऐप काफी अच्छा है। सेव करना तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया और सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप बैक चलते हैं। तो इस तरह से आप इनशॉट वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर का यूज करके आप अपने फोटो को काफी अच्छा बना सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।